नमस्कार दोस्तों, आपकी डिमांड पर शॉर्ट टाइप की एक राजस्थान वीडियो जो है राजस्थान जीके की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको फास्ट रिवीजन समझिए या फटाफट याद करना समझिए या शॉर्टकट जैसे भी है, लेकिन बड़ी अच्छी वीडियो है और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। शुरू करते हैं। राजस्थान का नामकरण किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर। राजस्थान की भाषा क्या है? हिंदी व राजस्थानी। स्थिति क्या है? भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में। अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 इंच उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है दोस्तों। और देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य है। जलवायु क्या है यहाँ पर? मानसूनी है। और यहाँ की आकृति क्या है दोस्तों? आकृति है विषम चतुष्कोणीय या पतंग के आकार की है। सीमावर्ती राज्य कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। सबसे कम सीमा वाला पड़ोसी राज्य है पंजाब। सबसे अधिक राजस्थान की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है दोस्तों। और राज्य से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। और इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण जो एरिया है 336,808 वर्ग किलोमीटर है। और शहरी जो है 5483 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ की जो कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है 10.41% है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर तथा जैसलमेर। पाकिस्तान के साथ लगने वाले ज़िले कौन से हैं? बेलावपुर, रहमियार तथा मीरपुर। सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा? जैसलमेर है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 464 किलोमीटर है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य बीकानेर 168 किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र के आधार पर धौलपुर सबसे छोटा जिला है, 3,033 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसमें संभागों की संख्या जो है 7 है। जिले हैं 33, तहसील हैं 334, उप तहसील 189 है, नगर निकाय 184 है, नगर निगम 7 है, नगर परिषद 34 है, नगर पालिकाएँ 143 है, ग्राम पंचायतें 9,894 हैं। जो कुल गांव हैं 45,539 है। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है जोधपुर में है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा सीटें 200 हैं, लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की सीटें 10 है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विधायिका क्या है? एक सदनीय विधायिका है। यहाँ नगर सॉरी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान का स्थापना दिवस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 30 मार्च 1949। राज्य का दिवस होता है 30 मार्च को। राष्ट्रीय पशु बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चिनकारा है और ऊँट, जो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो वो हमारा आंसर रहेगा। राजकीय जो पक्षी है गोडा बण सोहन चिड़िया। राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी। थार का कल्प वृक्ष है। राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल है। और राजकीय जो लोग नृत्य है घूमर है। राजकीय गीत है केसरिया बालम आयो नी पधारो मारे देश। प्रथम राज्यपाल जो थे गुरुमुख निहाल सिंह थे। पहला जो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जोशी।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत शर्मा, प्रथम मुख्य महिला मुख्यमंत्री महिला वसुंधरा राजे, प्रथम राज्यपाल जो महिला हैं वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, नव प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। कोलवा नक्षत्र 32,736.64 वर्ग किलोमीटर है। आरक्षित वन क्षेत्र है 12,475.07 वर्ग किलोमीटर, लगभग 38.11%। जो संरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वो 18,216.86 वर्ग किलोमीटर, लगभग 55.65% है। और औगीकृत वन क्षेत्र है 2,044,71 वर्ग किलोमीटर। राज्य की कुल वन क्षेत्र है 9.57 क्षेत्रफल। सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर में, सबसे कम वन क्षेत्र है चूरू में, और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3। नेक्स्ट है, प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? समय जो है, प्रथम महाराजा प्रमुख थे महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर, प्रथम राज प्रमुख समय मान सिंह जयपुर, प्रमुख राज्यपाल गुरुमुख निहाल, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। ठीक है दोस्तों, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, प्रथम दलित मुख्यमंत्री जो है जगन्नाथ पहाड़िया, प्रथम उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाला, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, विधानसभा में प्रथम महिला नेता कुमार जसवंत सिंह, विधानसभा के प्रथम मुख्य सचेतक मथुरा दास, प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाला, प्रथम निर्वाचित महिला विधायक यशोदा देवी, प्रथम मुख्य सचिव के कृष्णन, राज्य की प्रथम मुख्य महिला सचिव कुशल सिंह, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक पी बैनर्जी, प्रथम पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह, प्रथम योजना आयोग या वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है कृष्ण कुमार गोयल, मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, प्रथम राजस्थानी फिल्म नजरानो, प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट, फ्लाइंग अफसर निवेदिता, प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जयपुर, प्रथम सर्प उद्यान कोटा, प्रथम नगरपालिका आबू 1865, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने वाला प्रथम क्षेत्र रणथंबोर, इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला जो थी भक्ति शर्मा, ओलंपिक में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह राठौर, प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, टेलीमेडिसिन वाला प्रथम गांव कैथून गांव कोटा जिला, पंचायती राज का श्री गणेश करने वाला प्रथम जिला नागौर, प्रथम आकाशवाणी केंद्र जयपुर 1955, प्रथम दूरदर्शन केंद्र जयपुर 5 मार्च 1977, प्रथम शिल्पग्राम हवाला गांव उदयपुर, राजस्थान का लोक सेवा आयोग में प्रथम अध्यक्ष एस के घोष, प्रथम परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह, प्रथम राजस्थान के खेल रत्न प्राप्तकर्ता लिंबाराम तीरंदाजी, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त प्रथम व्यक्ति डॉक्टर पी के सेठी, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला अरुणा राय, राजस्थान में प्रथम विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर 8 जून 1947, प्रथम स्वास्थ्य विद्यालय राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर नवंबर 2004, प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, प्रथम खुला विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जुलाई 1987, प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर 2001-02, प्रथम
महिला संचालित सहकारिता सुपर मार्केट बलोतरा नगर बाड़मेर, प्रथम डेयरी संयंत्र भी स्थापना अजमेर 1975, प्रथम खनिज तेल कुआं तनोट जैसलमेर, प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल ब्यावर, प्रथम सहकारी संगठन सहकारिता कृषि बैंक, चुकंदर से चीनी बनाने वाली प्रथम और एकमात्र मिल गंगानगर शुगर मिल, प्रथम कृषि फार्म सूरतगढ़ फार्म 1956, प्रथम पद्म विभूषण श्री घनश्याम दास बिड़ला, प्रथम पद्म भूषण विजेता श्री कंवर सेन, प्रथम पद्म श्री विजेता श्रीमती रतन शास्त्री, प्रथम महिला सॉरी प्रथम महावीर चक्र विजेता कर्नल बिशन सिंह राठौड़, शौर्य चक्र विजेता निहाल सिंह बिश्नोई, अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुरानी। अजमेर आने वाले प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर गिरल गांव शिव तहसील, प्रथम पूर्ण साक्षरता जिला अजमेर, आदिवासी जिला डूंगरपुर, कैंसर अस्पताल जयपुर, प्रथम हाईवे NH 8, राज्य का प्रथम बिजनेस डाकघर जयपुर, राज्य में प्रथम महिला संगीत महाविद्यालय त्रिवेणी नगर जयपुर, प्रथम समाचार पत्र सर्वहित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1890, इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला ग्राम नायला, प्रथम परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा चित्तौड़गढ़, प्रथम सुपरताप विद्युत गृह सूरतगढ़, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ जयपुर, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति सौरभ शेखावत, कंप्यूटर एडिट डिजाइन केंद्र की स्थापना भीलवाड़ा, प्रथम आदर्श लवण फार्म की स्थापना नारवा जयपुर, प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना जयपुर, प्रथम एग्रो फूड की स्थापना रानपुर कोटा, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापना अमर सागर जैसलमेर, प्रथम इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना सांगानेर जयपुर, प्रथम गौमूत्र बैंक की स्थापना सांचौर जालौर, प्रथम पक्षी चिकित्सालय जौहरी बांजार सांगनेर, राजस्थान का प्रथम टेलीमेडिसिन सेंटर अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर, राजस्थान के प्रथम कमर्शियल बायोडीजल प्लांट जयपुर, राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट पारुल शेखावत, राज्य में प्रथम निजी मेडिकल कॉलेज महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जयपुर, संपूर्ण परिवार की फोटो वाला BPL कार्ड जारी करने वाला प्रथम जिला टोंक, राज्य का प्रथम सीमन बैंक बस्सी, रेल टेल सेवा शुरू करने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन जयपुर, राज्य के प्रथम कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना जयपुर GPO, प्रथम तेल रिफाइनरी निर्माणाधीन बाड़मेर, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त प्रथम हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना गोटन, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर, प्रथम जिला हाईटेक सीकर, प्रथम सहकारी चीनी मिल कारखाना केशोर टापन, प्रथम सहकारी क्षेत्र का कटाई मिल गुलाबपुरा, प्रथम हेरिटेज हॉस्पिटल अजीत भवन जोधपुर, प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर परियोजना, और प्रथम महिला आयोग की प्रथम उपाध्यक्ष कांति कपूरिया। तो ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ, आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो गया। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, धन्यवाद।